मार बोकारो इस्पात प्रबंधन बोकारो इस्पात नगर की खोई खूबसूरती को वापस लाने की दिशा में काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। इसी क्रम में आज नगर प्रशासन की विशेष टीम ने सेक्टर 4 स्थित लक्ष्मी मार्केट के फुटपाथ पर बेतरतीब ढंग से बसे दुकानदारों को बुलडोजरिंग कर ढहा दिया। दुकानदारों के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, जिसमें महिला पुलिस बल भी शामिल थी। दरअसल इस्पात प्रबंधन सभी फुटपाथ दुकानदारों को मुख्य सड़क से 20 फीट पीछे कर लेने का निर्देश दिया, परंतु किसी भी दुकानदार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की, तो प्रबंधन ने आज सख्त रुख अख्तियार करते हुए यह कार्रवाई की। इस्पात प्रबंधन का कहना है कि इस तरह से सड़क से दुकान सटी होने के कारण जहां दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, वहीं अक्सर सड़क जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि बेतरतीब ढंग से लगी दुकानों को मुख्य सड़क से 20 फीट पीछे किया जाए। इससे दुकानदार जहां अपनी दुकानें भी चला सकेंगे, वहीं नगर भी सुंदर बनेगा और यातायात भी सुगम होगा। दोनों इसी तरह इंक्रोचमेंट चुके हैं, जिससे कि जनता को आज हद तक हो रही। आपको किसी दिन आना चाहिए, सारी रोडें पूरी तरह से जाम रहती हैं, जनता को आने या जाने में बड़ी तकलीफ होती है। जनता को जब जगह नहीं है तो रोड बनना है, दुकानदार जो अराइज्ड है हटना है, जो अथराए वो पीछे अपनी गुमती करना है। मामला ये है कि जो पीछे में 10 का लाइसेंस दिया हुआ है तो आगे बढ़ करके 10 रहे हैं, धीरे धीरे पीछे आगे बढ़ते बढ़ते रोड तक आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक क्या स्थिति है, कहीं कोई जगह नहीं है, कोई गाड़ी कर सके। उसके चलते जो वातावरण बहुत खराब है, सबको समझना है, शहर को समझना है। ये मैनेजमेंट का निर्णय है कि सबके बंद को सफाई करना है, सारे पूरे समय ये जाना जो अवैध तरीके से वो हटे, जो वैध तरीके से है वो रोड को छोड़े किनारे हटे, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट मेरा स्मूथ हो। कार्रवाई मेरी चल रही है, जब पड़ेगी तो सबको रेड को इसके उनको वहां भेज कर हटाया जाएगा।